कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं बाद में, और मेरे साथ साथ जिनसे मेरी सगाई हुई है उनसे फ़ोन पर बात करके आपने जितनी चीज़ें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि उनका कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं था जिस चीज़ों में आपने उनको घसीटा, उनके परिवार को घसीटा। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मेरा साथ दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊँगा, तो एक इंसानियत के नाते ना सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। उस नाते आपकी बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीज़ों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि आपको प्रवोक किया गया, ना कि इस तरीके से आपको बोला गया कि आप किसी की धज्जियाँ उड़ा दो। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम पता कर रहे हैं कि क्या नेहा जी और सुमित जी की जो शादी है वो कैंसिल होगी या नहीं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल की तारीख में नेहा जी ने एक रिप्लाई वीडियो बनाई थी, और उस रिप्लाई वीडियो में उन्होंने एक एक करके जो भी उनपे एलिगेशन लगे थे, इल्जाम लगे थे, उन सभी का उन्होंने जवाब दिया था। उसमें उन्होंने एक एक करके जो भी सचिन और मनीषा जी द्वारा इल्जाम लगाए गए थे उनका जवाब दिया। हाँ, हो सकते हैं पूरे क्वेश्चंस के जो भी पूरे इल्जाम थे उन सबका जवाब ना दिया हो, बट कई सारे इल्जामों को उन्होंने जवाब दिया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो सचिन और मनीषा बता रहे हैं कि सुमित जी उनके साथ हो गए हैं, सुमित जी उनका सपोर्ट करने लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सचिन ने सामने से ऐसे कई सारी धमकियां दी कि मैं कुछ कर लूंगा, मैं गलत कदम उठा लूंगा, ऐसी ऐसी जब धमकियां दी गई सुमित जी को, तो कोई भी नॉर्मल इंसान उसके सपोर्ट में कुछ बातें बोल देता है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई सच है, आपको कुछ सच रखना है, तो आप रखिए सामने। इस तरह की बातें सुमित जी ने सचिन से कही थी। उन्होंने कहीं भी अभी तक उन्होंने कोई मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कही। नेहा जी ने ऐसा कहा कि मेरे खिलाफ सुमित जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें उनकी तरफ से फैलाई जा रही हैं, और शादी वगैरह जो कैंसिल करने की बातें चल रही हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज के बारे में उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, बट जिस हिसाब से बता रही थी कि सुमित जी अभी भी उनके साथ हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली शादी हो सकती है। और शादी की डेट्स तो हो सकता है थोड़ा पीछे चले जाए इन पूरे बवाल के कारण, लेकिन शादी होगी, ये चीज आप मान के चलिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।